देखिए, नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व रात को लगभग 9 बजे एक ओला की कैब लूटी गई थी। एक सिल्वर कलर की वैगनार गाड़ी बुक करा के 3 बदमाशों द्वारा असलहे के बल पे लूटी गई थी। उसमें जो ड्राइवर था ओला कैब का, उसको असलहों के द्वारा चोट भी पहुंचाई गई थी तथा उसका पर्स और मोबाइल फोन भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना फेज 2 पे अभियोग पंजीकृत था। इसी संबंध में आज थाना फेज 2 पुलिस को ये सूचना मिली कि जो अभियुक्त हैं वो इस गाड़ी को कहीं बेचने के फिराक में हैं। ये सूचना पाके थाने की पुलिस ने जब उसके चेकिंग लगाई उस गाड़ी की, इस चेकिंग में जब वो वैगनार गाड़ी वहां से गुजरी, उसको घेरा गया। अपने आप को घिरता हुआ देख के बदमाशों ने पुलिस पे फायर खोल दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक बदमाश इसमें अंधेरे का फायदा उठा के भागने में सफल रहा, जिसको तलाश करने के लिए सघन कॉम्बिंग कराई जा रही है। इसमें जो बदमाश घायल हुए हैं उनका नाम, एक का नाम जतिन है और एक का नाम मनोज है। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी ये लूट के मुकदमे में और गैंगस्टर में तथा चोरी में जेल जा चुके हैं। इनके पास से, जो ये घायल अभियुक्त हैं, इन दोनों के पास से 2 अवैध तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इन्होंने 2 दिन पहले ओला कैब लूटी थी, वो सिल्वर कलर के वैगनार गाड़ी, वो भी बरामद कर ली गई है इनके द्वारा। तथा जो ड्राइवर था ओला कैब का, उससे जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका पर्स तथा मोबाइल फोन लूटा गया था, वो भी इनसे बरामद कर लिया गया है। बाकी पुलिस फोर्स मौके पे मौजूद है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।